मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर के दिन नजदीक आ गए हैं। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत की डेडलाइन 1 जून को खत्म हो रही है, यानी 1 जून को आखिरी चरण के मतदान के अगले ही दिन 2 जून को केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से एक और गुहार लगा दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी खराब सेहत का हवाला दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद 7 किलो वजन घट गया, जमानत के बाद अपना चेकअप करवाया, हेल्थ चेकअप में पता चला कि कीटोन लेवल हाई है, डॉक्टर से जांच करवा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। लेकिन अब जैसे जैसे केजरीवाल के सरेंडर के दिन नजदीक आ रहे हैं तो उनको एक और गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है और अपनी इस गंभीर बीमारी का हवाला देकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका कीटोन लेवल हाई है और अब इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दो चीजें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना इंडिकेट करता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो, और उसको रूल आउट करने के लिए एक तो उनके किडनी और उनके पेट स्कैन कराने की बात हो रही है, जिसके अंदर कैंसर का टेस्ट जो है पूरी बॉडी का किया जाता है, तो इन टेस्ट को कराने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। हैरानगी इस बात की है, जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको बता दें कि 51 दिन बाद यानी 10 मई 2024 को जैसे ही सीएम केजरीवाल को तिहाड़ से 22 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, तब से अब तक सीएम केजरीवाल प्रचंड गर्मी में पंजाब से लेकर यूपी और दिल्ली तक बिना बीमार पड़े पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यानी तिहाड़ से बाहर आते ही मुख्यमंत्री केजरीवाल की बीमारी कहां छू मंतर हुई, आम आदमी पार्टी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। और अब जब 2 जून पास है तो केजरीवाल कह रहे हैं वो बीमार हैं और बीजेपी इसको केजरीवाल की नौटंकी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से जानकारी भी हम लेंगे और साथ ही साथ चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पहले जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ लॉयर भी हैं, तो कुछ जो पेचीदगियां हैं कानूनी वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ संजय मिश्रा जी भी हैं, निवान शर्मा भी हमारे साथ जल्द जुड़ने वाले हैं, और बीजेपी की ओर से हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन संजय मिश्रा जी, आप इसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन से गंभीर बीमारी हो गई है केजरीवाल जी को जो कैंपेनिंग में तो ठीक हो जाती है लेकिन सरेंडर करने के नाम पर काफी गंभीर हो जाती है। बीमारी है जब उन्होंने बोला, और ये तो डॉक्टर इलाज करेगा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इलाज करेंगे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द भी नहीं होनी चाहिए, इन्हें तो अपनी दादागिरी दिखाते रहनी चाहिए। अच्छा, पंजाब में सांसद जिता दो, भगवंत मान की सरकार नहीं रहेगी, ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी दादागिरी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में कहते हैं तेजस्वी को जेल जाना होगा, क्या ईडी के चीफ हो गए हैं क्या प्रधानमंत्री जी भी, इन्हीं के हाथ में हो गया जांच सब कुछ यही कर रहे हैं। आप अभी तेजस्वी पर कहां पहुंच गए, अभी तो अरविंद केजरीवाल पर ही रही है ना। उदाहरण दे रहा हूं कि भाई उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला है कोर्ट में, कोर्ट उसका देखेगा क्या है नहीं है, एक्सचेंज करना है या नहीं करना है। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? नहीं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है मैं बता रही हूं, क्योंकि आपके जो मंत्री हैं, आपके सरकार में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो तो सीधा बीजेपी पर मारने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इतना बड़ा आरोप
षड्यंत्र जितने भी हो रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं कि सारे विपक्ष तो बीजेपी मार, मतलब बीजेपी उनको मारना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है अरविंद केजरीवाल को। बिना तथ्य कोई मिनिस्टर तो कोई बात नहीं रखेंगे। अच्छा, तो मैं चाह रही तथ्य कोई बात वही जानना चाह रही हूँ कि वो तथ्य क्या है, आप रखें तो शायद हमको चर्चा करने में, डिबेट करने में और सुविधा होगी। नहीं, जितनी चीजें हुई है बिना तथ्य के आप जेल में उठा के बंद कर देंगे, किसी मुख्यमंत्री को उठा के बंद कर देंगे, क्या ये कम है क्या? हाँ, अच्छा, ये अपने आप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो दो बयान मैंने आपको बताए, इसीलिए मैंने बता दिए कि जहाँ पे इस तरह की दादागिरी है कि तुम सांसद जिता दो, कुछ मेंबर्स लोकसभा में भेज दो, भगवंत मान की सरकार नहीं रहेगी। यानी आप यदि पंजाब में सांसद जीतेंगे तो भगवंत मान की सरकार गिरा देंगे। जब आप ये ला रहे हैं ना, तो फिर आप उसको ट्विस्ट एंड टर्न देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजीव जेटली जी कल कहा है कोई ज्यादा, लेकिन राजीव जेटली जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी ये सरकार में जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, की आप मारना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। ये हमारी, मुझे लगता है कि षड्यंत्र जो है ना केजरीवाल का, अपने आप को, अपने शरीर को लेकर ही है। कभी वो क्रिएटिनिन लेवल की बात करते हैं, वो घट रहा है, कभी ये बताते हैं कि उनका डायबिटिक लेवल है, जब वो ऊपर जा रहा है। देखिए, बच्चों की अगर झूठी कसम खाएंगे ना तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा आपको, ये किसी ना किसी रूप में तो बाहर निकलेगा। और एक देखिए किस तरीके का इन्होंने लीडरशिप दी है, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झूठी कसमें खाने के बाद किसी पद पर पहुंचा हो तो उस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता होगा उसके लिए क्या संदेश जाता होगा। आज देखिए क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अब केजरीवाल साहब जो हैं वो विभव कुमार को बचाने में लगे हैं। एक बार भी मनीष सिसोदिया की बात नहीं करी कि प्रचार के लिए मैं भी अर्जी देता हूं मनीष सिसोदिया बाहर आ जाए। क्योंकि इतनी पेचीदगियों में फंस चुके हैं, जवाब नहीं दिए जा रहे, बार बार पूछे जाने पर विभव कुमार को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए दाल में कितना बड़ा काला है, किस तरीके से इनके अपने जो ऊपर है वो उंगली उठाने वाले लोग इनके अपने ही नेता हैं। और लगातार देखिए प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं, लेकिन लगातार देखिए कितने लोगों को इन्होंने निपटाया अपनी ही राजनीतिक पार्टी के अंदर, और निपटाते ही चले जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया को निपटाने वाले कोई हो रहे हैं। जब भ्रष्टाचार किया तो मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया, जब भ्रष्टाचार किया तो सतेंद्र जैन जी को आगे कर दिया, जब भ्रष्टाचार किया तो पहले देखिए किसी और के ऊपर इल्जाम लगाया। पंजाब का एक मंत्री था जिसको इमीडिएटली बाहर किया गया, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था। जो इनका मॉडल है भ्रष्टाचार का, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो हर कोई व्यक्ति जो इनकी नीतियों के हिसाब से नहीं चलता, जो इनकी तरह झूठ नहीं बोल पाता, जो इनके तरीके से भ्रष्टाचार नहीं कर पाता, वो इनकी कहीं ना कहीं जो इनका सिस्टम उससे बाहर हो जाता है। तो आज यही सिस्टम से बाहर हुए लोग हैं। आप देखिएगा कल को ये मनीष सिसोदिया को साइड कर चुके हैं, ये सतेंद्र जैन को साइड कर चुके हैं। अगला नंबर हो सकता है जिसकी आप बाइट दिखा रहे हैं सौरभ भारद्वाज, उनका भी हो। सुनिए ना, राजनीति अपनी जगह है जेटली जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। वो कह भी रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया 7 किलो उनका वजन घट गया है वहां भीतर जेल में। तो आप स्वास्थ्य से लेकर, मतलब आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? जरूरी तो नहीं किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना या स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई देखिए हिमानी वेट घट गया है, गौर कीजिएगा, वेट घट गया है, ये इल्जाम इन्होंने जेल में भी लगाया था। और इसका मतलब जेल में वेट नहीं घटा था, अब बता रहे हैं वेट घट गया है। ये जो झूठ बोल बोल के पिछले 7-8-10 दिनों का प्रचार किया इन्होंने, उस झूठ की वजहों से इनका वेट घट गया है। अगर ये वेट घटने की बात होती, अगर ये कहते हैं उपचार करवाना चाहते हैं, टेस्ट किस्टम बना किया इनको ना करवाइए, बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपका क्रिएटिनिन लेवल आ जाता है, डॉक्टर आपको परामर्श देगा कि किस तरीके का आपका उपचार करना है। देखिए उसके बाद कहां पहुंच गए ये पंजाब में, कहां पहुंच गए दिल्ली में, एक भी बात ऐसी है जिनकी मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी हुई हो? एक मेडिकल रिपोर्ट में क्रिएटिनिन लेवल बता के आप पूरे देश की राजनीति करना चाहते हैं?